तो फ्रेंड लोग PUBG मोबाइल ने न्यू अपडेट ला दिया है 1.0 एंड इरेंगल 2.0। लेकिन फ्रेंड लोग बात कुछ ऐसी है कि इंडिया के अंदर PUBG मोबाइल बैन हो चुका है, जैसे कि प्ले स्टोर से उसे रिमूव कर दिया है। तो अब उस अपडेट को कैसे करेंगे? लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी तो अपडेट कर रहे हैं एक एप्लीकेशन से, तो उस एप्लीकेशन की लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर लोगे। लेकिन फ्रेंड लोग आपके सामने एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इधर देख लीजिए, डाउनलोड पोस्ट बिकॉज वाईफाई डिसेबल। तो ये प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी हो गई अगर किसी के पास वाईफाई वाला फोन नहीं है। जैसे कि दोस्तों किसी के पास एक ही स्क्रीन टच फोन है एंड एक ही सिम कार्ड है एंड वो उसी के अंदर रिचार्ज कराता है, तो वो कैसे डाउनलोड करेगा वाईफाई से? जैसे कि वो किसी और से वाईफाई भी ले नहीं पाएगा, अगर कोई दे भी देगा तो 1900 MB कौन इन्वेस्ट करने देगा? तो यही बात हो रही है एंड बहुत जनों को ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसका भी सोल्यूशन आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं आपको नहीं करता हूँ और उससे चलते हम वीडियो के आगे। लेकिन उसको वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड जो पास में बेल आइकन दिखता है उसे ऑल के ऊपर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक कर लेना एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड लोग अब आपको क्या करना होगा, जैसे कि जो डाउनलोड पोस्ट बिकॉज वाईफाई डिसेबल वाली जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आपको क्या सॉल्यूशन है? तो उसका सॉल्यूशन एक सिंपल सा है, आपको एक डिस्क्रिप्शन में उसकी डायरेक्टली मैं OBB फाइल दे दूंगा, जिससे उस OBB फाइल को आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लोगे एंड आपको एंड्रॉइड के अंदर जाकर उसे पेस्ट कर देना है। लेकिन दोस्तों बहुत जनों को पेस्ट नहीं करना आता है, तो मैं उसके मतलब की एक एग्जाम्पल दे दूंगा। फ्रेंड लोग मैं OBB फाइल की लिंक इसलिए दे रहा हूँ, जैसा कि जो डाउनलोड पोस्ट एंड बिकॉज वाली जो मतलब की हमारी वाईफाई डिसेबल वाली जो प्रॉब्लम आ रही है लोग, इसका सॉल्यूशन यही है। तो इसी से आप उसको मतलब की उसका सॉल्यूशन आप कर पाओगे, मतलब की वाईफाई किसी का नहीं लेते हुए हमारा जो इंटरनेट होगा 1000 MB का, उससे उस फाइल को आप डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन दोस्तों फाइल आप डाउनलोड कर लोगे, फिर उसको एंड्रॉइड के अंदर OBB में कैसे पेस्ट करना है वो सारा दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं हमारे मोबाइल की। और लेकिन दोस्तों जल्दी से जाइए एप्लीकेशन को एंड फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को भी दोस्तों आपको पहले डाउनलोड करके रखना होगा, OBB फाइल को दोस्तों अब डाउनलोड कर लीजिए। अब आपने OBB फाइल को डाउनलोड कर दिया, अब दोस्तों हम चलते हैं हमारे मोबाइल की और एंड उस OBB फाइल को पेस्ट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों चलते हैं हमारे मोबाइल की और ज्यादा बोल लेता हूं थोड़ा, अब चलते हैं हमारे मोबाइल की। और फ्रेंड लोग मैं आ गए अपने मोबाइल की और एंड जो पहली लिंक मिलेगी दोस्तों, जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, क्लिक करना है तो सिर्फ डाउनलोड के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर डाउनलोड होना जैसे स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड हो जाने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब जो हमारी सेकेंड फाइल आपको कहाँ पर मिलेगी वो मैं आपको बता लेता हूँ। तो सेकेंड फाइल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसा कि वहां पर लिखा होगा लिंक सेकेंड नंबर। तो जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करोगे आप आ जाओगे डायरेक्टली दोस्तों इस पेज पर। जैसे आओगे एंड यहाँ पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर भी मिल जाएगी OBB फाइल की लिंक एंड यहाँ पर भी जैसे आप क्लिक करोगे डायरेक्टली यहाँ से भी फाइल हमारी डाउनलोड होनी स्टार्टिंग हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने पूरा लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो को कहीं से भी स्टॉप नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर होने दीजिए एंड यहाँ पर ऊपर आता है या फिर नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि डाउनलोडिंग 1.74 GB। तो फ्रेंड लोग आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो भी मैं लिंक दे रहा हूँ उसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके उन्हें आप जल्दी से डाउनलोड कर पाओगे। तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लोगे, जैसे कि डाउनलोड हो जाएगी फिर इसे इंस्टॉल आपको कर लेना है। एंड OBB फाइल मैं अभी डाउनलोड नहीं करना चाहता हूँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप OBB फाइल को डाउनलोड करने के बाद इसे हम एंड्रॉइड के अंदर कैसे हमारे PUBG मोबाइल को चालू करेंगे। फ्रेंड लोग अभी मैं चलता हूँ बाहर एंड बाहर आने के बाद दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जेर आर्चीवर। जैसे कि ये फाइल मैनेजर तो हमारा होता ही, लेकिन दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी है तो इसके अंदर हमारा जल्दी काम होने वाला है। तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड करोगे, डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना होगा डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर एंड यहाँ पर फ्रेंड लोग हमारी फाइल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आपको ढूंढना होगा उस फाइल को, जैसे कि मैं यहाँ पर उस फाइल को ढूंढ रहा हूँ, जैसे कि तो यहाँ पर मैं देख के जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि OBB जीप, जैसे कि आपके सामने भी कुछ इस टाइप का होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड इसको एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे ही एक्सट्रैक्ट होगी फिर आपके सामने ऊपर की ओर एक फाइल आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि OBB। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लिक करोगे फिर इसके अंदर हमें TNCT की फाइल मिलेगी। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ से कट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर फिर से बैक होके
यहाँ पर बैक यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको जाना होगा एंड्रॉइड के अंदर एंड ओबीबी के अंदर जाकर यहाँ पर आपको उस फाइल को पेस्ट कर लेना है, जैसे कि 1074 GB की फाइल को। जैसे ही पेस्ट करोगे यहाँ पर देख सकते हो कि .com/dnctig फाइल यहाँ पर हमारी पेस्ट हो गई है। फिर आप आपके जो पबजी मोबाइल है इसको ओपन करोगे तो आपका पूरी तरीके से अच्छे से पबजी मोबाइल चल जाएगा, पबजी मोबाइल 1.0 इरेंगल 2.0। जैसे कि फ्रेंड लोग मैंने अधूरा डाउनलोड किया था, जैसे कि फाइल को 1 MB का ही डाउनलोड किया था, तो अभी मेरा पबजी मोबाइल ओपन नहीं होने वाला है, आपके मोबाइल के अंदर अच्छे से पबजी मोबाइल चल जाने वाला है। दोस्तों कोई भी वीडियो फेक नहीं है, आप फाइल से दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड लोग यही थी वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो पर एक लाइक कर लीजिएगा एंड वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड लोगों के साथ। तो फ्रेंड लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।